हेलो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको ये चैप्टर मानव संग्रहालय वन ऑफ इट्स काइंड का फर्स्ट पेज कवर अप किया था चलिए इसके आगे से नेक्स्ट पेज कंटिन्यू करते हैं सो so, मैंने आपको पिछले वीडियो में वंडरफुल गेट तक एक्सप्लेन किया था चलिए इसके आगे से स्टार्ट करते हैं इट इज पेरोल जब वो वहां पर आते हैं एंट्री करते हैं तो वहां एक वंडरफुल गेट दिखाई देता है उन्हें दे सैड कि ये कितना वंडरफुल गेट है तो अंकल श्याम कहते हैं कि ये एक पेरोल है द गेट इज कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल विलेज स्टाइल कॉल्ड पेरोल जो गेट है वो किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है हिमालयन विलेज स्टाइल में ट्रेडिशनल हिमालयन विलेज स्टाइल में जिसको पेरोल कहा जाता है तो एंटर करने पर अंदर प्रेमाइसिस में एंटर करने पर रोहित एक बिल्डिंग देखता है जो बिल्कुल ही अल, अलग दिखती है किससे जैसी बिल्डिंग उसने पहले कभी देखी है जो भी बिल्डिंग्स उसने देखी है उससे बिल्कुल ही अलग बिल्डिंग उसे दिखती है थोड़ी सी अलग वट इज दैट बिल्डिंग फॉर अंकल ही आस्क वो अंकल से पूछता है ये बिल्डिंग किस चीज के लिए है तो वो अंकल कहते हैं कि इस बिल्डिंग को वीठी संकुल कहते हैं इट इज वन ऑफ द मेन म्यूजियम बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन द थीम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ये म्यूजियम की, की जितनी भी बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग है जो किस पे बेस्ड है ह्यूमन का कैसे इवोल्यूशन हुआ कैसे ग्रोअप हुआ उस पे बेस्ड है चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है द चिल्ड्रन फेल थ्रिल्ड बच्चे एक्साइटेड थे एज दे वॉकड पास एग्जीबिट विच डेपिक्टेड वेरियस स्टेजेस ऑफ बायोलॉजिकल चेंजेस इन द इवॉल्यूशन ऑफ मैन आप लोगों ने साइंस में इवॉल्यूशन ऑफ मैन पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि किस तरह से मैन का इवोल्यूशन हुआ किस चेंजेस हुए स्टेजेस के थ्रू एंड थ्रू थ्रू लाइफ साइज मॉडल्स मॉडल्स थे वहां पर फोटोग्राफ थे स्केचेस के थ्रू मैन का रिवॉल्यूशन बताया गया था इट वॉज डेपिक्टेड डेपिक्टेड मतलब बताया गया था शो किया गया था रोहित लुक एट दोट्स देखो बोर्ड्स की तरफ कितनी सुंदर है आरन दे सैड रानी पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लेक लेक की तरफ वो इशारा करते हुए कहती है एम आउट ऑफ द बिल्डिंग The children ran excitedly and reached a place near the lake which looked exactly like a coastal village. और जब बच्चे एक्साइट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे ऐसी चीजें देख के तो वो वहां पहुंचे लेक के पास और वो बिल्कुल एक विलेज की तरह दिख रही थी कोस्टल विलेज की तरह दिखाई दे रही थी आर दीज हर्ड्स रियल आज रोहित रोहित पूछता है कि ये जो हर्ड्स हैं वो क्या रियल हैं? अंकल से कहते हैं हाँ यस रियली इंडेड मतलब रियली हाँ वो रियल है वॉट मेक्स दिस म्यूजियम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज द फैक्ट दैट इट प्रिजर्व फोक एंड ट्राइबल कम्युनिटी कम्युनिटीज ये म्यूजियम दूसरे म्यूजियम से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसमें फोक पुराने फोक और ट्राइबल कम्युनिटीज की के फैक्ट और ये सब चीजें प्रिजर्व की हुई हैं उनके हैबिटेट उनका रहन सहन उनकी डाइवर्सिटी कल्चर और उनका रिलेशनशिप नेचर के साथ देर आर मैनी सच रियलिस्टिक सेटलमेंट्स इन द म्यूजियम द कोस्टल विलेज द डेजर्ट विलेज द हिमालयन विलेज द ट्राइबल हैबिटेट और भी इसमें म्यूजियम में इस तरह के सेटलमेंट बनाए गए हैं जैसे कोस्टल विलेज डेजर्ट विलेज हिमालयन विलेज ट्राइबल हैबिटेट एटसेट्रा देर आर मोर देन ट्वेंटी टाइप्स ऑफ हाउसेज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और और इसमें यहाँ पर अलग अलग तरह के ट्वेंटी तरह के हाउसेस भी इंडिया से जो इंडिया में हैं वो भी यहाँ पर हैं दे आर मेड बाय द आर्टिस्ट वो किस किसके द्वारा बनाए गए हैं आर्टिस्ट ने बनाए हैं अलग अलग कम्युनिटीज के जो अपने अपनी कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उनके उन्हीं आर्टिस्ट ने ये बनाए हैं एंड इंक्लूड आइटम्स लाइक यूटेंसिल्स फर्नीचर एंड फोक आर्ट और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया है उनके यूटेंसिल्स होते हैं मतलब बर्तन उनका जो फर्नीचर है उनकी फोक आर्ट कैसी होती है उसको भी इसमें इन्वॉल्व इंक्लूड किया है द चिल्ड्रन विजिटेड एज मेनी एग्जिबिट कु सेवन एकर्स ऑफ म्यूजियम एरिया इंक्लूडिंग बच्चे कहाँ विजिट करते हैं कम से कम कितने म्यूजियम एरिया में वो विजिट कर लिया है उन्होंने 197 एकर्स इंक्लूडिंग द फेमस रॉक including the famous rock shelters they felt tired but there was still much to see वो देख देख के थक चुके थे लेकिन अभी और भी बहुत सी चीजें देखने के लिए थी लेट्स लीव अंकल श्याम कहते हैं चलो अब यहाँ से चलते हैं बहुत लेट हो रहा है लेकिन बट अंकल वी हैवंट सीन द होल म्यूजियम रानी कंप्लेंट रानी कहती है कि हमने तो पूरा म्यूजियम अभी तक देखा ही नहीं यू विल समे किसी और दिन हम देखेंगे स्कूल चिल्ड्रन गिवेन फ्री एंड एस्कॉटेड टूर एस्कॉटेड मतलब जो स्कूल की तरफ से टूर किया जाता है उसको कहते हैं है ना तो स्कूल चिल्ड्रन को मिलता है टूर एस्कॉटेड टूर जो फ्री और फ्री होता है और साल में एक बार बाय द म्यूजियम म्यूजियम द्वारा नॉट ओनली दैट दे आर प्रोवाइडेड विद मटेरियल और सिर्फ ईसा ही नहीं होता है उनको मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ऑब्जेक्ट बनाए आर्ट के Uh, अपने लिए बाय द म्यूजियम स्टाफ सो आज यूर टीचर टू अरेन्ज फॉर एन एजुकेशनल एक्सकर्सन एक्सकर्सन मीन्स जर् जो टूर बंद करना है उन्हें उसी को ही बोलते हैं है न तो अपने टीचर से कहो कि इस तरह का कोई एजुकेशनल टूर को वो अरेन्ज करें और यही इसी मैग्निफिशेंट म्यूजियम पर आए किसी दिन यस आई नो आई विल कम बैक वन डे ठीक है मैं जानती कि मैं यहाँ पर किसी दिन आऊंगी विथ माई क्लासमेट अपने क्लासमेट के साथ सैड रानी थैंक यू अंकल फॉर गिविंग सच ए नाइस ट्रीट थैंक यू अंकल हमें इतना अच्छी ट्रीट देने के लिए सर स्टूडेंट यहाँ पर लेसन ओवर होता है एंड आई होप आपको ये लेसन काफी इंफॉर्मेटिव काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड बहुत ही ज्यादा इसमें हिस्टोरिकल चीजों के बारे में बताया है एंड आई होप आपने यू मस्ट है